जी का नहीं था, पिछले 2-3 सत्रों से हम ये उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अभी व्यू क्या है आपका मार्केट्स पर, क्या रेंज आप देख रहे हैं निफ्टी की? इवनिंग दीपाली जी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक उथल पुथल आई थिंक वाजिब रीजंस की वजह से है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है इंडिया चाइना, आई थिंक एक बहुत बड़ा हेडविंड बन के सामने आ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स आई थिंक बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन दर्शा रहे हैं, वो यूरोपियन मार्केट्स हो या अमरीकी बाजार। कल के जो डेटा पॉइंट्स आए थे यूएस मार्केट में स्पेसिफिकली रिटेल सेल्स को लेके, जो जबरदस्त तरीके से बढ़े थे, और आज भी जो डेटा पॉइंट आए हैं, आई थिंक जो होम बायर्स बाजार में उतरे हैं फॉर बाइंग न्यू होम्स, टेकिंग मॉर्गेजेस एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक थोड़ी उम्मीद जगाई बैठी है कि डिमांड इज कमिंग बैक। तो जैसे अनलॉक फेज टू भी स्टार्ट होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आई थिंक साफ तरीके से दर्शाया है, कहीं ना कहीं आई थिंक इकोनॉमी एक्टिविटी शुड स्टार्ट रिबाउंडिंग स्मार्टली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहेंगे, वील रिवर्ट एंड रिएक्ट टू लॉट ऑफ दीज ग्लोबल मैक्रो एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज, इसलिए एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा मार्केट के लिए। कल एक्सपायरी भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसलिए वॉलेटिलिटी आई थिंक बढ़ने के और भी आसार है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स विद इन अ रेंज ऑफ अराउंड 9,800 to 10,200 ऑन द हायर साइड। ठीक है, तो रेंज में मोमेंटम रहेगा और रेंज आपको मयूरेश ने बताया है जिसके बीच ट्रेड हो सकता है। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। हमारे साथ नितिन है महाराष्ट्र से फोन लाइन पर। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? कुछ नहीं, मैंने आरसीएफ के शेयर्स लिए वाले 10,000 क्वांटिटी है और लॉन्ग टर्म रख सकता हूं, 64 का एवरेज है, तो क्या करना चाहिए आप? किस प्राइस पर आपने लिए हैं आरसीएफ? 64 रुपए। ठीक है, 64 आपका परचेजिंग प्राइस है। पूछ लेते हैं मयूर जी से, मयूर जी क्या सजेशन होगा? 64 इनका परचेजिंग प्राइस है, 10,000 क्वांटिटी है, क्या करें अब ये? ये बिल्कुल नोट करना चाहिए। अगेन आई थिंक जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आरसीएफ का फर्टिलाइजर्स और जो थीम चल रही है फर्टिलाइजर्स की, एग्रो केमिकल्स, एग्रो इनपुट्स, ये सॉलिड डिमांड में रहने वाले हैं बिकॉज ऑफ अ गुड खरीफ सीजन एक्सपेक्टेड, अच्छा रबी सीजन भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। दूसरा आई थिंक जो इनकी ड्यूज है, जो सब्सिडी ड्यूज की हम बात करते हैं, अगर वो रिपे होती है अगले कुछ तिमाहियों में तो एक जबरदस्त बेनिफिट हो सकता है। और इनकी जो लैंड है, एक्सेस लैंड विच कैन नॉट बी यूज, अगर ये मोनेटाइज करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरे हिसाब से आई थिंक काफी बैलेंस शीट की दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो अगर एक मध्यम अवधि का नजरिया है तो होल्ड करके रखें। जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है 4380, जो 200 डीएमआर है स्टॉक के लिए, जो ब्रेक करना आई थिंक और होल्ड करना बहुत जरूरी है, और 3930 जो 50 डीएमए है, जो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। सो टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी आई थिंक ये दो लेवल आप मान के चलिए, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो लेवल्स आपको बताए गए हैं जिन पर आपको गौर करना है, सलाह है कि आप होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। आनंद है हमारे साथ जलंधर से। आनंद जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। सर मैंने 5500 शेयर लिए हैं एलएनडी फाइनेंस के 53 पर। ठीक है, एलएनटी फाइनेंस 5500 स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं और आपका परचेजिंग प्राइस 53 रुपए का है, और शायद एचपीसीएल में भी आपकी पोजिशन है आनंद जी। हाँ जी, चलिए बात, एचपीसीएल में भी आपने पोजीशन ली हुई है? हाँ, एचपीसीएल मैंने 225 में 200 शेयर लिए हैं। हाँ जी, ठीक है, तो एलएनटी फाइनेंस मयूरेश जी 53 की बाएंगे इनकी, एचपीसीएल 225 की, एलएनटी फाइनेंस इनके भाव के ऊपर है और एचपीसीएल भाव से नीचे, क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? दोनों के लिए आई थिंक सजेशन थोड़ा अलग अलग होगा। एलएनटी फाइनेंस के लिए दीपाली जी, आई थिंक जो दिक्कतों से एनबीएफसी यूनिवर्स गुजर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक एक स्लो एंड ग्रेजुअली रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मोरेटोरियम्स, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स और जो एक्सेस प्रोविजनिंग, कैश फ्लोज को खा जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एलएनटी फाइनेंस के एक अहम लेवल जो होंगे 58.2 होंगे, जो इसका 50 डीएमआर है, ये आप नोट करके रखें। तब तक के लिए आई थिंक यू कैन होल्ड द स्टॉक अनलेस टेक्निकल पैरामीटर्स ये ब्रीच नहीं होते। एचपीसीएल के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक जो नतीजों के हिसाब से आई थिंक एक रिएक्शन हमने देखी थी, जो एडवेंटिशियस लॉस दिखा था बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स क्रूड भाव के उथल पथल के होने की वजह से, दैट क्लियरली प्लेड आउट ऑन नंबर्स। बट जैसे इकोनॉमी एक्टिविटी वापस स्टार्ट हुई है, डीजल सेल्स विल कम बैक टू नॉर्मल, ETF सेल्स विल कम बैक टू नॉर्मल, और जो आई थिंक GRMs है, they should also start normalizing going forward as well. So I think 200 rupees is a very important level HPCL ke liye, ye aap note karke rakhe, which is the 50 DMR. Agar ye tootta hai because of market volatility, so I think stocks mein aur pressure dekha jayega.
ठीक है, तो 200 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो ब्रीच हुआ तो शायद प्रेशर और बिल्डअप हो सकता है। योगेश है हमारे साथ फोन लाइन पर, लेकिन उससे पहले क्विकली फेसबुक पे एक सवाल आ रहा है वैभव प्रकाश का, कैडला पर इन्होंने सवाल भेजा है। मयूरेश जी, 364 के लेवल पर इन्होंने कैडला खरीदा हुआ है और जो इनका व्यू है वो है 3 to 4 months का, तो बताइए 3 to 4 महीने के पर्सपेक्टिव से कैडला पर क्या सजेशन होगा? अगेन आई थिंक न्यूज ड्रिवन होती है काफी हद तक इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक मूवमेंट। 364 की बाइंग है, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर 3 महीने का व्यू है तो एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू आप मान के चल रहे हैं, इसलिए आई थिंक 338-40 ये एक बहुत अहम लेवल है। दिस इज द 50 DMA, क्योंकि ये लेवल हमने देखा है कि ये स्टॉक हैज प्रॉब्ली ट्रेडेड अबव दिस लेवल फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम पिछले कुछ हफ्तों में, तो अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो शायद थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिले, इसलिए यू कैन प्रिज्यूम दैट 338-40 जो 50 DMA एक स्टॉप लॉस मान के आप ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो राय आपको दी गई है, लेवल्स बता गए हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। योगेश है फोन लाइन पर राजकोट से, योगेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मेरे पास अभी बताइए। ठीक है, राय ले लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी बताइए, टाटा मोटर्स 115 की बाइंग है, ऑस्टरलाइट टेक 111 की। ये नंबर्स तो काफी डिसअपॉइंटिंग थे और एक्सपेक्टेड था, बट उससे भी खराब आए, स्पेसिफिकली JLR के फ्रंट पे इंडियन स्टैंडअलोन एंटिटी टाटा मोटर्स की जो MHCV सेल्स थे वो कम होने ही थे, बट JLR लार्जली डिसअपॉइंटेड। हालांकि आई थिंक सिल्वर लाइनिंग यही है कि इनके जो प्रोजेक्ट चार्ज करके एक्सपेरिमेंट है 3.5 billion pounds इन्होंने कॉस्ट सेविंग्स में बचाए हैं, जो 5 billion pounds बचाने की उम्मीद है अगले वर्ष में। दूसरा, चाइनीज मार्केट्स हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, तो जो चाइना के सेल्स हो रहे हैं आर रिलेटिवली बेटर ऑफ। हालांकि आई थिंक जो नंबर्स थे आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, इसलिए आई थिंक 85-40 ये एक लेवल आप मान के चले जो 50 DMA है टाटा मोटर्स के लिए, और ये आप स्टॉक मान के चल सकते हैं फॉर द ट्रेड रिलेटेड टू टाटा मोटर्स। जहां तक स्टरलाइट टेक का सवाल रहा है, जो मार्जिन्स थे एट अराउंड 18-19% शायद मार्जिन्स यही रेंज में घूमे, क्योंकि 10,000 crore की इनकी जो ऑर्डर बुक है, 4,000 to 4,500 crore सर्विसेज की ऑर्डर बुक है, एक नेवी का ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है, सर्विसेज ऑर्डर बुक की मार्जिन कम होती है। हालांकि आई थिंक जो 5G का केपेक्स डिप्लॉय होगा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक डिफर होने के पूरे आसार है, जिसके वजह से जो फाइबर ऑप्टिक रियलाइजेशंस होते हैं इनके OF और OFC बिजनेस में, ये दोनों घटेंगे। दूसरा, इन्होंने केपेक्स भी डिफर किया है टू द नेक्स्ट 6 to 9 months बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो डिट्रीमेंटल इफेक्ट जो देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स कमिंग टुगेदर। इसलिए आई थिंक स्टरलाइट टेक के लिए आई थिंक 113.66 आई थिंक निकालना बहुत जरूरी है, उसका 200 DMA है, एंड ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक 95 इज द लेवल विच यू शुड वॉच ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको लेवल्स बताए गए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। विपिन सिंह ने हमें फेसबुक पर सवाल भेजा है, आदित्य बिरला मनी पर 1100 शेयर्स इनके पास एबी मनी के, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 35.40 रुपए का है। बताइए मयूरेश जी, आदित्य बिरला मनी क्या सजेशन होगा? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छे क्वालिटी शेयर्स में आपको देखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई वुड स्टिल प्रेफर टू गो आफ्टर क्वालिटी। जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं मेरे ख्याल से आई थिंक अक्रॉस मार्केट साइकिल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो करंट थीम चल रही है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग स्टेबिलिटी, फार्मा क्षेत्र की हम बात करें, एग्रोकेमिकल्स की हम बात करें, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हम बात करें, तो आई थिंक ये क्षेत्रों में अगर आप लीडर्स को चूज करते हैं तो आई थिंक विल बी बेटर ऑफ ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म होराइज़न। जी, तो सजेशन आपको मिला है, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बनाइए। हमारे साथ अगले कॉलर अशोक हैं, आप राजस्थान से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, हेलो, मैंने बताइए क्या सवाल है आपका? 13 क्रेडिट खरीदू में 268 के भाव में। ठीक है, 68 आपका परचेजिंग प्राइस है, पूछ लेते हैं। बताइए मयूरेश जी, अच्छे लेवल पर उन्होंने एंट्री ली है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं पर होल्ड रखे सेटन क्रेडिट केयर? नहीं, कहीं ना कहीं अर्निंग्स की ट्रैजेक्टरी अभी भी वीक है दीपाली जी, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो स्टॉक ने मूवमेंट दर्शाया है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करना आई थिंक बहुत अहम होता है ऐसे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तो आपको निकलने का शायद मौका नहीं मिले। तो यस, अगर आप प्रॉफिट बांध सकते हैं तो आई थिंक मुनाफा वसूली कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं सेटिन क्रेडिट केयर में, ये सजेशन है। फेसबुक पर लगातार क्वेरीज हमें मिल रही हैं और मीता है जिन्होंने सवाल भेजा है फेसबुक पर, ब्लू डार्ट पर इनका सवाल है। 50 स्टॉक्स इन्होंने ब्लू डार्ट के लिए हुए हैं और जो परचेजिंग प्राइस है मयूरेश जी वो 2186 का है। क्या सजेशन होगा क्योंकि इनका जो नजरिया है वो 5 मंथ्स का है, तो जानना चाहती है होल्ड रखे 5 मंथ्स के लिए फिर निकल जाए। नहीं, अगेन आई थिंक एक क्लासिकल बिजनेस डाइकोटोमी है ब्लू डार्ट के लिए, और मेरे ख्याल से आई थिंक कैसे बिजनेस इवॉल्व होता है ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं देख रहा था, आई थिंक एक जो गिरावट रही है स्टॉक से ऑलमोस्ट फ्रॉम 3000 ऑड लेवल्स बिफोर द पैंडेमिक स्टार्ट, और जो 2000 के लक्ष्य ये स्टॉक ने अभी हासिल किए हैं, मे बी द स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज एटलीस्ट टिल कंडीशंस इंप्रूव। इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक इज वेरी मच कन्फाइंड बिटवीन 2000 to 2200 ऑन द हायर साइड। सो जैसे रैलीज मिलती है, और क्योंकि आपका एक छोटे अवधि का लक्ष्य है, रैलीज से एक बार के लिए आप स्लोली एंड स्टेडीली प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रोहित है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। रोहित जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। सर मेरे कर्नाटका बैंक है, 41.50 रुपीज की मेरी बाइंग है, 3000 मेरे पास शेयर है, और प्लस इसके अलावा मेरे पास सेंचुरी प्लाई है जो 120.50 रुपए की बाइंग है और 600 शेयर है मेरे। मेरे को जरा बताए शॉर्ट टर्म का मेरा पर्पस है। ठीक है मयूरी जी, शॉर्ट टर्म का व्यू है सेंचुरी प्लाई में नुकसान क्योंकि 120 का परचेजिंग प्राइस है, कर्नाटका बैंक में जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 41 रुपए का है। दोनों में बताइए शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा। तो अगेन आई थिंक अर्निंग्स डिटेरियोरेशन दोनों स्टॉक्स में काफी हावी है। सेंचुरी प्लाई के लिए बिकॉज ऑफ द बिजनेस कंडीशंस मैक्रो और माइक्रो स्केल पे बहुत जोरदार हिट आई है। आई थिंक वॉल्यूम प्लस प्राइस की जो हम उम्मीद करते हैं और जो EBITDA पर स्क्वायर फीट के रियलाइजेशन ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं बोथ प्लाईवुड बिजनेस लैमिनेट बिजनेस में, आई थिंक थोड़ी दिक्कतें जरूर बरकरार रहेगी बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक नीड्स टू टेक आउट 110 and 144 जो 50 and 200 DMA है, बट द स्टॉक इज ट्रेडिंग अनफॉर्चुनेटली बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस एज वेल। तो अगर बाय एनी चांस मार्केट रिवाइवल में या वॉलिटिलिटी में वॉट एवर यू से अगर 110 के ऊपर एक मिनट के लिए निकल भी जाता है ये स्टॉक, तो थोड़ा बहुत आई थिंक यू कैन स्टार्ट टेकिंग मनी आउट क्योंकि सिग्निफिकेंट मूव 144 के ऊपर ही आएगी ये स्टॉक में। कर्नाटका बैंक के लिए अगेन आई थिंक मिले जुले नतीजे रहते हैं, देर इज ऑलवेज होप विद दिस स्टॉक कि कोई टेक ओवर कर लेगा एंड देर इज ऑलवेज न्यूज विच गेट्स सर्कुलेटेड अराउंड दिस स्टॉक। पर अगर हम कोर फंडामेंटल्स पे फोकस करें तो जो एक्सपोजर है स्पेसिफिकली इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट्स को जो ये लेंड करते हैं, SMEs, MSMEs, जो मोरेटोरियम्स ऑप्ट हुए हैं, जो प्रोविजनिंग लगेगी, बैलेंस शीट रिपेयर में थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो कर्नाटका बैंक शायद विद इन द बैंकिंग स्पेस एक डार्क हॉर्स हो सकता है, बट यू विल हैव टू गिव लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। मेरे ख्याल से आई थिंक अगेन कोई रैलीज इसमें मिलती है तो एक बार के लिए आप निकल सकते हैं। तो उछाल पर बेचने की सलाह है दोनों स्टॉक, सेंचुरी प्लाई और कर्नाटका बैंक दोनों। साजन पटेल ने फेसबुक पर सवाल भेजा है, L&T पर 974 के प्राइस पर इन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। बताइए मयूरी जी क्या सजेशन होगा L&T पर जी अपने इकोनॉमी का, और नतीजे जैसे आए थे यस मिक्स्ड बैग जरूर थे, बट अगेन ऑर्डर बुक जो उनके पास है, जो एग्जीक्यूशन करने की ये चेष्टा रखते हैं स्पेसिफिकली डोमेस्टिक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स को लेके, एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि जैसे थिंग्स इंप्रूव होंगी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है दैट विल कम बैक टू नॉर्मल विच विल लीड इंप्रूवमेंट्स इन ROEs। आई थिंक दैट इज वन एंगल दैट L&T कैन एम्बार्क अपॉन। दूसरा आई थिंक जो इनका हाइड्रोकार्बन्स का बिजनेस है, जो ओवरसीज बिजनेस है, ऑलमोस्ट 20-25% ऑयल प्राइसेस और एग्जीक्यूशन डिलेज के वजह से शायद रिसीवेबल्स में थोड़ी दिक्कत हो, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच इज एज आई सेड एक रिफ्लेक्शन होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और अगले 3-4 वर्षों में आई थिंक इकोनॉमी हैज टू इम्प्रूव इवन इफ इट गोस थ्रू अ स्लो फेज अगले 6 से 9 महीनों में, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दिलीप है मासक फोन लाइन पर सूरत से। दिलीप जी नमस्कार, पूछे सवाल अपना। नमस्ते मैडम, मेरे पास IGL का शेयर है 160 क्वांटिटी और 509 के रेट पर लिया था, तो सर है इस पे आपने परचेजिंग प्राइस क्या बताया? 509 रुपए। हाँ 509 रुपए, 509। ठीक है पूछ लेते हैं। 509 के प्राइस पर IGL 160 स्टॉक्स हैं, 474 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करें मयूरेश? तो रिजल्ट्स अभी थोड़े समय पहले ही आए हैं दीपाली जी, एंड रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट गुड।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो डीग्रोथ सिर्फ 1% की हुई है, और जो मार्जिन एक्सपेंशन देखा गया है बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस इज वेल आई थिंक हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो सिक्वेंशियली भी मार्जिन हैव कम एट 24.3%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 300 बेसिस की जंप आई है. रेवेन्यू में आई थिंक जितनी डीग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आई थिंक उससे थोड़ी कम ही आई है, जिसके वजह से आई थिंक जो वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ है आई थिंक हैज बीन प्रीटी रीजनेबल. तो मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा एक परफॉर्मेंस है, होल्ड करके रह सकते हैं. ऑन द डाउन साइड अगर ये 460 ब्रीच होता है तो शायद 460 आप एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं स्टॉक के लिए. ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए गए हैं स्टॉप लॉस टारगेट के तौर पर. तो ये सजेशन है आईजीएल पर. अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की जो एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, पर्पस इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाना. आज हम आपको बताएंगे केवाईसी क्यों जरूरी है. केवाईसी में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने डिटेल्स को अपडेट करना होता है. केवाईसी में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जरूरी जानकारी मिलती रहती है, और सही पते पर डॉक्यूमेंट वक्त पर मिल जाते हैं. पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में मदद मिलती है. अपडेटेड केवाईसी धोखाधड़ी की संभावना को भी कम करता है. तो बहुत जरूरी है अपने केवाईसी को अपडेट कराना. मयूर जी से इनफैक्ट इस पर एक राय भी ले लेते हैं, बताइए. बताइए मयूरेश जी, अच्छा स्टॉक चुनना लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करने के साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है अपना केवाईसी कराना, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केवाईसी में आप जो डिटेल्स भरते हैं, आपके वैलिड डिटेल्स, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आप ट्रेड्स करते हैं लॉजिकली मिल जाते हैं आपके इधर ईमेल आईडी या फोन नंबर पे. इसलिए आई थिंक प्रॉपर केवाईसी करना, इसको अपडेट करना बहुत अहम है इफ यू आर अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट. एंड एट द सेम टाइम जैसे दीपाली जी राइटफुली कह रही है, अच्छे स्टॉक्स के साथ रहना मध्यम से लंबे अवधि के लिए विदाउट लुकिंग एट मार्केट वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट बाई टेकिंग द एडवाइस ऑफ अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. जी, फेसबुक पर ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, तो क्विकली कुछ और क्वेरीज को ले लेते हैं. और जो सवाल हमें आ रहा है वो आ रहा है एक्सिस बैंक पर अशित घोष का. इनके पास 100 स्टॉक्स है, 411 का परचेजिंग प्राइस है, जानना चाहते हैं अब क्या करें. बताइए मयूर जी, क्या सजेशन होगा? ये होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दिक्कतें हैं जो ये बैंक झेल रही हैं, शायद एक दो तिमाही और झेलनी पड़े. मोरेटोरियम जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, 30-32% फॉर द बैंक हैव ऑप्टेड फॉर मोरेटोरियम. सुप्रीम कोर्ट की केस में हियरिंग क्या आएगा वो अगस्त में ही पता चलेगा. इसलिए आई थिंक द मोरेटोरियम्स इंक्लूडेड विद एक्सेस प्रोविजनिंग जो एसेट क्वालिटी में आई थिंक ये रिकग्नाइज कर चुके हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक दैट शुड शील्ड द बैंक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. और सेकंड हाफ से आई थिंक रिकवरी प्रोसेस बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन्स, एडवांसेस, ग्रोथ, एट द सेम टाइम आई थिंक रिप्रीवल इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू एसेट क्वालिटी इश्यूज मोरेटोरियम को लेके, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट प्लेइंग आउट. तो अगर मध्यम अवधि का नजरिया है तो होल्ड करके रखना. ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह. एक और सवाल लेते हैं, सतीश कुमार ने भेजा है. मयूर जी संक्षेप में रखिएगा, दीपक नाइट्राइट 490 की बाइंग है और डाबर 465 की. ये दोनों को होल्ड करके रख सकते हैं, आई थिंक दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं. अच्छा परफॉर्मेंस था दीपक नाइट्रेट का सारे बिजनेस सेगमेंट्स में, बेसिक, स्पेशलिटी केमिकल्स, इनके फिनोलिक्स सेगमेंट ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है. हालांकि स्टॉक का प्राइस वाइज आई थिंक बहुत कुछ करा नहीं है रिजल्ट के बाद, बट लंबे नजरी का व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं. दूसरा स्टॉक दीपाली जी, सॉरी आई मिस दैट, डाबर भी होल्ड करके रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ हम उम्मीद करके बैठे हैं, जो मोड्स इन्होंने क्रिएट किए हैं अपने नेचुरल्स पोर्टफोलियो के हिसाब से, वो डाबर भले हनी हो, च्यवनप्राश हो, डाबर टूथपेस्ट हो, जो डाबर लाल के नाम से जानी जाती है, तो आई थिंक द वॉल्यूम प्लस प्राइस ग्रोथ शुड बी क्वाइट रीजनेबल इनफ. इम्पैक्ट कोविड की वजह से एक तिमाही में आया था, ये तिमाही में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की वजह से आ सकता है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक एफएमसीजी कंपनीज लाइक डाबर जो स्ट्रॉन्ग मोट है और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स प्रोफाइल है और जो लीडर्स अपने इंडिविजुअल स्पेसेस में ये अच्छा कर सकती है, तो आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रह सकते हैं. तो होल्ड करने की सलाह है डाबर और दीपक नाइट्राइट, दोनों स्टॉक्स पर बने रहिए. फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल, शुक्रिया मयूरेश.